अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आज मैं आपको बहुत अच्छी सी एक रेसिपी दे रही हूँ, बहुत अच्छी, जो कि आप बाज़ार से खाते हैं और बहुत ही यूनिक होती है। यानी दो मैं आपको बहुत अच्छी रेसिपी दे रही हूँ, ठीक है। एक तो मैं आपको दे रही हूँ वेजीज, ठीक है। वेजीज यानी ये पोटैटो के वेजीज हैं, जो कि मसाले वाले वेजीज हैं, ठीक है, मसाले वाले वेजीज, ठीक है। दूसरा मैं आपको दूंगी कच्चे कीमे के कबाब। तो पहले मैं आपको जो सिखा रही हूँ वो वेजीज बता रही हूँ कि किस तरह से वेजीज ना बनते हैं और मसाले वाले कैसे बनते हैं, लेकिन ये अवन में बनेंगे। वो अवन का भी टेम्परेचर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है जी। चलें जी, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिए हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर चला गया। मसाले वाली है तो हर मसाला होगा। अजवाइन चली गई 1 टीस्पून, ठीक है। अच्छा, ओरिगानो के लीव्स हैं ये चले गए आपके 1 टीस्पून, ठीक है। ग्रीन चिलीज चली गई इसमें 2 टेबल स्पून, ठीक है। अच्छा जी, चिकन पाउडर चला गया 1 टेबल स्पून, सही। चाट मसाला चला गया हमारा इस पे 2 टेबल स्पून। सॉल्ट चला गया 2 टेस्ट। अब आपको थोड़ा सा इसमें से बढ़ाना इसलिए पड़ता है कि इसका टेस्ट थोड़ा सा निकल कर आएगा, जब सॉल्ट भी अच्छा खासा, मतलब इतना हो कि आपको फील हो। कम सॉल्ट होगा तो मसाले भी उसके आपको सारे जो है ना वो टेस्ट नहीं आएगा। अच्छा जी, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च हमने डाल दी 2 टेबल स्पून, ठीक है जी। ये हो गया। लेमन जूस ऑप्शनल है, डालें ठीक है, नहीं डालें कोई बात नहीं, लेकिन मैं डाल रही हूँ क्योंकि ये हमारी मसालेदार वेजेस हैं, ये जो कि आपने खाई होंगी, अब तो हर जगह मिलने लगी है, रेस्टोरेंट में भी मिलती हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं इसको वेरिएशन के साथ आपको दे रही हूँ अवन के अंदर, ठीक है। अवन में ये बेक होंगी तो आपको नुकसान भी नहीं करेंगे। जो लोग डाइट पर होते हैं वो आराम से ले सकते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास राइस फ्लावर है, या आप मैदा ले लीजिए, ये 4 टेबल स्पून है। ये मैं पूरा इसमें इस तरह से स्प्रिंकल, अगर देखूंगी मुझे और ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें मैं ऑयल भी ऐड करूंगी। ऑयल इसमें ऑलमोस्ट जाएगा 4 टेबल स्पून, क्योंकि ये क्रिस्पी बनते हैं तो ये ऑयल भी इसमें जाएगा। ये देखें, ये इस तरह से मैंने जितना राइस फ्लावर था वो इसमें डाल दिया, ठीक है। अब ये बेक होने जाएंगे। थोड़ा सा ऑयल इसमें और थोड़ा मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ, थोड़ा सा ऑयल इसमें और डाल रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से बेक हो जाए और ये जले नहीं। बहुत अच्छे पोटैटो ये बनते हैं, बहुत अच्छे वेजेस बनते हैं। ये देखिए मेरी बेकिंग ट्रे है, इसके अंदर मैं इसको बेक करूँगी। अच्छा जी, मैंने इसको जो है 150 पर 10 मिनट्स के लिए दे दिया था प्री हीट करने के लिए। 10 मिनट्स प्री हीट के लिए मैंने छोड़ दिया था 180 पे, ठीक है। अब मैं इसको रख रही हूँ 35 to 40 मिनट्स, क्योंकि ये आलू हैं, वेजेज हैं, तो थोड़े से ये हार्ड होते हैं बेक करने के लिए, ठीक है। अब ये 35 to 40 मिनट्स के लिए बेक होने जाएंगे। जब तक ये बेक होंगे मैं आपको बता दूँगी, दिखा दूँगी कि मैं आपको कच्चे कीमे के कबाब किस तरह से बनाना सिखा रही हूँ। अच्छा जी, जो कच्चे कीमे के कबाब है उस पर भी आएंगे हम, पहले हम इसको बेक होने के लिए रख दें। ये उसी के साथ मैं सर्व करूँगी, साथ में आप अनियन बना लीजिए और इसके साथ लेमन की अनियन, ये सब बना लीजिए। और अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि एक के ऊपर एक आप नहीं रखें, क्योंकि अगर आपने एक के ऊपर एक रखा तो वो कच्चे रह जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह से हमारा हो गया। जो हमने ग्रीन चिलीज इसमें ऐड की थी वो इस तरह से मैं रख रही हूँ, उसका भी एक क्रिस्पी हो जाएगी ये, ठीक है। ये जहाँ जहाँ मुझे जगह मिल रही है उस तरह से मैं रख दूँगी, ठीक है। अब ये बेक होने के लिए जा रहे हैं, जब ये बेक हो जाएंगे, ये तकरीबन मैंने आपको कहा है 35 मिनट्स लेते हैं, 35 मिनट्स में ये बेक हो जाएंगे, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी इसका लुक आया और ये किस तरह से आपको जो है वो किस तरह से वो लग रहे हैं, ठीक है। चले जी, ये वेजेस की रेसिपी तो आप तक दे दी मैंने, अब मैं आपको कच्चे कीमे के कबाब बताती हूँ। बस आपको थोड़ी देर में बताती हूँ कच्चे कीमे के कबाब जी। अब हम आ जाते हैं कच्चे कीमे के कबाब। याद रहे कि मैंने रख दिया है वेजेस को बेक होने के लिए 180 पे प्री हीट किया था, 35 टू 40 मिनट्स वो बेक होंगे।
और मैंने पील ऑफ नहीं किया था, यानी छिलकों के साथ मैंने जो है वो आलू को वेजेस के शेप में काट कटिंग की थी और सब कुछ आपके सामने रखा किया था। ठीक है, सारी रेसिपी आपके सामने। अच्छा जी, अब यहाँ आ जाते हैं हम कच्चे कीमे के कबाब। बकरीद भी आ रही है तो इसलिए मैं चाहती हूँ आपको डे बाय डे इस तरह की रेसिपीज देती रहूँ। ये हमारे पास आ गया हाफ के जी जो है वो बीफ का कीमा। ठीक है, हाफ के जी ये कीमा है, मशीन का है, फाइन है। आप जब भी लें तो उनसे थोड़ा सा बोलें कि उसमें चर्बी डाल दें तो वो बहुत फाइन कीमा निकलेगा फिर ना मशीन से। ठीक है, बहुत बारीक है, मैंने दो दफ़ा इसको चलवा लिया था। अच्छा जी, अच्छा अब ये हमारे पास कीमा हो गया। अब इसके अंदर आप मसाले देख लीजिए। ज़ीरा पाउडर हो गया वन टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून। अच्छा, ये धनिया देखिए इस तरह से होगा ना, ज़्यादा साबुत होगा। ये मैंने दो दफ़ा बस मशीन को चलाया है, ग्राइंड जो छोटा होता है जिसको हम कॉफ़ी मेकर या फिर वो भी कहते हैं गरम मसाला, जिसमें बस ये चलाया, इस तरह से सीड्स खुल गई बस ये, ताकि ये फ्राई हो तो बड़ा खूबसूरत से लुक आता है। ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया 3 टेबल स्पून, चाट मसाला डाल दिया 2 टेबल स्पून। ठीक है, अच्छा पिसी हुई लाल मिर्च डाल दिया 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये हो गया हमारा ड्राई मसाला। अब हम आ जाते हैं बेसन। बेसन देखिए, ये कप मैं आपको बताती हूँ मेजरमेंट के लिए। ठीक है, ये हमारा बेसन 1 कप है पूरा, ये हमने भून लिया था, भून कर इसमें ऐड किया था। बेसन को हल्का हल्का भूनना है, काला नहीं करना, हल्के फ्लेम पे, और इस तरह से वो भी डाल दिया। अच्छा, ये ब्रेड को मैंने ले लिया है, मैंने ब्रेड 2 ले ली थी, 2 ब्रेड लेकर वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैंने इसमें ऐड की है, वो मैंने की थी कबाब चीनी। कबाब चीनी वो मसाला है जिसको आप बहुत ही पिंच ऑफ से भी कम लेते हैं, क्योंकि उसका अपना एक टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अच्छा ये अनियन है, ऑमलेट की तरह अनियन चॉप कर ली, 2 बड़ी अनियन थी, ये अनियन भी हमारे पास चली गई। ठीक है जी, लेमन जूस ये भी चला गया। ठीक है जी, अब ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये मैं पूरा इसमें ऐड करूंगी। 1 टेबल स्पून जिंजर है, 1 टेबल स्पून गार्लिक है, ये भी इसमें ऐड हो गया। सही है, अच्छा एग इसमें 1 है, 1 एग आप पूरा इसमें डाल देंगे। सही है, अच्छा जी अब आ जाए हमारा ग्रीन मसाला। ग्रीन मसाले की तरफ हम आते हैं, तो ये ग्रीन चिलीज हो गई हमारे पास, जो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। हरा धनिया हो गया, ठीक है हरा धनिया जितना भी डालें कोई इशू नहीं है। पुदीना हो गया, ठीक है ये सब हो गया। अब आप इसके इसको मिक्स करेंगे। अच्छा आप एक बात और, अगर आपने इसमें ब्रेड डाली है, ब्रेड डालने से क्या होगा कि ये श्रिंक नहीं होंगे आपके कबाब, लोगों को अच्छा दूसरी बात एक और, आप अगर इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे में फ़र्क होता है, अगर आप 1 चुटकी यानी पिंच ऑफ इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे तो उससे क्या होगा, आपके कबाब जब भी श्रिंक नहीं होंगे। जैसे मैं अभी मुझे एकदम याद आया कि मैं इसमें बेकिंग सोडा भी डाल दूँ, तो मैं इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, देखें इतना बस, पिंच ऑफ। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके कबाब शेरिंग बिल्कुल शेरिंग नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा जी ये मिक्स हो गया। अब मिक्स होने के बाद आप इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए बस रखें, कोई इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा आप देर तक रख रहे हैं। उसके बाद मैं आपके सामने इसके कच्चे कीमे के कबाब बनाऊँ। ये देखें जी, ये हमारा कच्चे कीमे का कबाब हम रेडी कर रहे हैं। हमने क्या किया, हाथों में ऐसे पानी लिया, पानी अच्छा हाँ मुझे एक बात याद आई कि जब ड्यूरिंग द जब मैं इसको मैरिनेट कर रही थी तो मैंने सॉल्ट नहीं डाला था। अच्छा अब इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आ रहा है। सब कुछ आपके सामने किया है मैंने, सारी इन्ग्रीडियंट आपके सामने डाला। ये देखिए पानी रखा मैंने इस, अच्छा मैं आपको 2 तरीके से बनाना सिखाऊंगी, एक मैं आपको कढ़ाई में बनाना सिखा रही हूँ, एक मैं तवे पे। ये देखिए शेप देखिए, कहीं से फट नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, और ये जो हमारा साबित धनिया है ये भी नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये हल्का सा देखिए, ये मैंने डीप फ्राई भी कर रही हूँ मैं, और शैलो भी कर रही हूँ। ठीक है, शैलो यानी तवे पे भी कर रही हूँ, अभी तो मैं आपको इसका बता देती हूँ। अच्छा ये शेप बिल्कुल श्रिंक नहीं होगा, क्यों इसलिए नहीं श्रिंक होगा कि मैंने इसमें ब्रेड भी डाला है और आपके सामने बेकिंग
सोडा भी डाला है, बेकिंग पाउडर नहीं पड़ेगा, बेकिंग सोडा। देखिए कितने अच्छा ये हो रहा है, कितना अच्छा इसका शेप आ रहा है। मैंने आपको कहा है ना, जब आप कसाई के साथ पास जाइएगा तो आप उसको ये कहिएगा कि आप ऐसा कीमा बना के दें जो कि फटे ना, ठीक है। आप उससे मशीन में जब कीमा पिसवाएंगे तो बारीक वाली मशीन में पिसवाइएगा। दूसरी बात, थोड़ा सा आप उसमें चर्बी डलवा लीजिएगा, यानी बहुत ही थोड़ी सी, इसका पीस देख रहे हैं यानी स्क्वायर सा एक पीस लेके उनसे कहिएगा कि इसमें आप डाल दें, ठीक है। मैं बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ, लेकिन ये अभी फिर भी मेरे लिए बहुत है। आपको अगर खाना है डीप में तो आप डीप में खाइए, शैलो में खाना है आप शैलो में खाइए। तो आप चर्बी के साथ कीमा पिसवाएंगे ना, आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा कबाब का, कच्चे कीमे के कबाब या गोला कबाब या सीख कबाब, वो जो फट जाते हैं, खुल जाते हैं ना, वो नहीं होगा, ठीक है। तो वो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अच्छा जी, अब तवे पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि यूँ पानी मैं एक ही बार लूँगी और वो पानी आपका चलता रहेगा, मतलब वो उसको सॉफ्ट कर लेगा, आपके चिपकेगा नहीं, स्टिकी नहीं होगा। अब मैंने तवे पे रखना है तो ये देखें, ये तवे का हो गया, ठीक है, तवे के हो गए, ये तवे पे बन गए आपके। मतलब आप दोनों तरह से चाहें तो बना सकते हैं, आपके अपने ऊपर है। आप तवा पे चाहें तवा पे कच्चे कीमे के कबाब बनाएं, आप चाहें तो इसके ऊपर, लेकिन आप शेप देखें, ये शेप आने की वजह यही है, जो आपको मैंने चीज़ें बताई हैं आप उसी तरह इस्तेमाल करें, उसी तरह रखें, तो आपका ये कबाब इसी तरह बनेगा बहुत अच्छे से शेप में। अच्छा, दूसरी तरफ हमारा जो है वो मैंने आपको बताया था ना वेजीज का, वो वेजीज भी हमारे रेडी हो गए हैं। बस हमने उसको देखना है कि उसका क्या टेम्पर अभी क्या है वो, ये देखें एक बिल्कुल डार्क ब्राउन हो रहा है, अभी इसको हम मज़ीद ब्राउन होने देंगे। ये देखें कलर, देखें आप, ये देखें ये कलर है, ये साबुत धनिया है। कच्चे कीमे के कबाब की शक्ल ऐसी होनी चाहिए, बस डार्क ब्राउन होनी चाहिए, तो वो आपका कच्चे कीमे का कबाब है, लेकिन काली नहीं, जली हुई नहीं, डार्क ब्राउन यानी टेस्टी वाला जो एक होता है वो, और बहुत अच्छा इसका लुक आएगा इंशाल्लाह। और बस अब हम आपको दिखाते हैं थोड़ी सी देर में, लेकिन मेरी देखें कितने अच्छे से, ये देखें आप, ये देख रहे हैं आप, ये मेरे तवे पे है, तवे पे आप देखें कितना अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। ये कच्चे कीमे के कबाब हैं, आप इसको बकरीद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस अब थोड़ी सी देर में मैं ये निकालने वाली हूँ, ये कबाब हो रहे हैं, तो मैं आपको वेजेस अपने दिखा दूँ कि मेरे वेजीज जो हैं उसकी क्या कंडीशन है, ठीक है। मेरे वेजीज जो हैं उनकी क्या कंडीशन है, मैं वेजीज को दिखा देती हूँ जो कि बिल्कुल रेडी हो गए हैं। वेजीज को दिखा देती हूँ बस मैं, ये देखिए मेरे वेजीज, ये बिल्कुल वेजीज मेरे रेडी हो गए हैं, देखें ये देखें, ठीक है, ये वेजेस मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। ये देखें, ये सारा आपके सामने सारा मसाला यूज़ हुआ था, सब कुछ मैंने आपके सामने किया था, कोई हिडन रेसिपी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बट आपको जो मैंने बेकिंग सोडा का कहा है वो भी आप इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। अब मैं ये बेकिंग ट्रे को निकाल रही हूँ, आपको सर्व करके दिखा रही हूँ कि जी ये किस तरह सर्व होगा, ठीक है। बस कबाब भी हमारे रेडी हुए हो रहे हैं, बस मैं कबाब भी दिखाती हूँ कि कबाब जो है वो कितनी देर लगेगी कबाब में। ये देखें आप इसकी शक्ल देखें, ये देखें इसको कहते हैं कच्चे कीमे के कबाब। डीप फ्राई की तो खैर बात अलग होती है, लेकिन लोग अवॉइड करते हैं डीप फ्राई से, तो मैं खुद अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे डीप फ्राई चीज़ें बिल्कुल पसंद तो होती हैं, लेकिन ये कि इसलिए डर लगता है थोड़ा सा, बंदा जो है ख्याल रखता है, वेट कॉन्शियस हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए जो है वो। अच्छा जी, आपका ये जो बहुत अच्छा ये चपली ये कच्चे कीमे के कबाब का जो मैं आपकी ट्रे सजा रही हूँ, आप अपने घर को भी इसी तरह घर पे भी सजाया करें, इसी तरह घर में भी खाया करें, और मेहमान आया करें तो उनके आगे भी इसी तरह सर्व किया करें। अब यकीन करें आपका दस्तरखान में अल्लाह और बरकत देगा,
और बहुत अच्छा ये प्लेटर बनेगा। अभी बस मैं आपको ये प्लेटर देखें, ये देखें आप, ये देखें कबाब देखें आप, ठीक है, ये कबाब, ये हो गए हमारे कबाब। बस मैं ये निकाल रही हूँ, फिर मैं आपको अपना प्लेटर दिखाती हूँ पूरा रेडी करके। ये देखें जी, ये हमारा जो है, हमने कच्चे कीमे के कबाब भी रेडी कर लिया, वेजीज भी रेडी कर लिए, ठीक है। अच्छा, आप इस तरह से सर्व कीजिए, क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब के साथ मैं सर्व कर रही हूँ वेजीज, ठीक है। तो इस तरह से सर्व कीजिएगा, बहुत अच्छा प्लेटर है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये तवे पे भी मैंने आपके सामने फ्राई किया कि तवे पे भी, और ये उस पर कढ़ाई पे भी, ठीक है। इस तरह से साबुत धनिया भी आपको दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा टेस्ट है। बकरीद पे बनाइए या आम दिनों में ऐसे ही बनाइए। इसी तरह प्लेटर रखिए, साथ में राइस रखिए, आलू का पुलाव रख लीजिए, या फिर दाल रख लीजिए, रोटी रख लीजिए, जो भी रखे आपके ऊपर है, लेकिन ये प्लेटर इसी तरह बनाइएगा अपने घर में, ठीक है। और मुझे दुआओं में याद रखिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो है वो बस मुझे फीडबैक अच्छे दीजिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट रेसिपी के लिए फिर मैं आती हूँ, फिर हाजिर होंगी। मुझे जो है वो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप वीडियो एंजॉय कीजिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।